बस हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप सब माय डे स्टार्ट विद कुकिंग सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट से ब्रेकफास्ट बनाएंगे सबसे पहले तो हम मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए ठीक है मैंने सिंपल टमाटर प्याज़ लिया उसको थोड़ा सा सूते कर लिया उसमें ऑयल में ना थोड़ा थोड़ा सा और एक जल्दी जल्दी से उनका ना लच्छा सा पराठा बना लिया साथ ना और एग को एक को कर लिया अच्छे से और एक अच्छा सा यमी सा लच्छा पराठा उनके लिए रेडी कर लिया था सबसे पहले उनका ब्रेकफास्ट बना क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया जी जनाब ये देखें जी ये एग हो गया हमारा कम्प्लीट कमी था माई हस्बैंड ब्रेकफास्ट रेडी देन हुरनम ने स्कूल जाना था तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि हुरैनम का ब्रेकफास्ट भी जल्दी से जल्दी से कुक कर लें फिर हुरैनम को उठाना होता है उसके उसकेजुअल का फिर काम शुरू हो जाता है वह हुरनम को उठाना फिर ब्रेकफास्ट कराना फिर थोड़ी सी स्टडी भी करवानी होती है मैंने जाने से पहले ना तो फिर वो काम सारा शुरू हो गया तो सबसे पहले तो मैंने एग बाइट जो है हुरैनम की रेडी कर ली क्योंकि शी शी लाइक्स टू ईट उसको बहुत पसंद आई एग बाइट ना वो खुद ही पकड़ के फिर खा लेती है कन्वीनियंट होता है इसी होता है मेरे लिए दैन इसलिए चलो जी अब बच्चे के रूम में जाके उनको मैंने उठा दिया बहुत हर हैप्पी दोनों ही हैप्पी थी अच्छा मुंतहा ने भी साथ उठना ही होता है अब इसने एक नया स्केड्यूल शुरू किया जी मुझे भी ब्रेकफास्ट दें तो फिर इसका भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है मैंने ना चले जी हुरैनम इज़ रेडी एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड मुंतहा उसको टीज भी रही थी और ये दोनों खेल भी रहे तो चलेगी देन हम ऊपर आ गए तो फिर हमने स्कैल का जो काम है वो शुरू किया सबसे पहले आज मैंने सोचा कि क्योंकि देसी घी भी नहीं था और मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा सबसे पहले क्रीम भी बहुत ज्यादा हो गया तो काम स्टार्ट करने से पहले पहले ना सबसे पहले तो मैंने किया जी मैंने सोचा कि सबसे पहले करते हैं हम मनाते हैं मक्खन फ्रेश फ्रेश मक्खन आज मक्खन का ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मक्खन बनेगा फ्रेश तो उसका ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी मैं और मुंतहा उसका बाद में दो टू टाइम्स ब्रेकफास्ट करती है सो बापा के साथ भी और फिर उसने मेरे साथ भी ब्रेकफास्ट करना होता है ओके जी मैंने एक गिलास जो है वो वाटर लिया ना मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया मतलब इतना ज्यादा कूल वाटर भी नहीं होता और बहुत मतलब नॉर्मल वाटर होता है अब ना तो मैंने नॉर्मल ही एक ग्लास वाटर लिया और इसमें ना मैंने दो पोर्शन बना लिए क्रीम के ना मैंने कहा इसको ना वन पोर्शन करके ना इसको अच्छे से फिर मैंने ब्लेंड किया और ब्लेंड करके ना अच्छे से कहा इतना ब्लेंड किया इतना ब्लेंड किया इतना ब्लेंड किया कि इसका मक्खन निकाल आया देन मक्खन इज रेडी फिर इसको मैंने निकाल लिया क्रीम थोड़ी थी आज लेकिन यह कि देसी घी ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने सोचा कि चलें जी पहले देसी घी बना लेते हैं देन फिर काम स्टार्ट करेंगे ये देखें अच्छा जितना भी वाटर था ना वो स्ट्रेन कर लेना आपने तो मैंने ना हैंड से ही स्ट्रेन कर लिया उसको ना अपनी तरफ से अच्छा जी कुल मिला के इतना ही मक्खन निकला आइसक्रीम से ना चलें जी इसको ना जितना भी वाटर है ना उसको हैंड की मदद से स्ट्रेन करते हैं ये देखें जी थोड़ा सा कुल 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 फील हो रहा था लेकिन ये कि मौसम बहुत चेंज हो गया तो अब इतना फर्क नहीं पड़ता ये देखे जी ये जो देसी घी है ना वो निकल गया है और इसको मैंने सैन भी क्या है जितना अच्छा स्टेन होएगा भी देसी घी भी उतनी जल्दी ही कुक हो जाएगा मतलब तो बन जाएगा उसको क्या बनाना होता है अभी लो फ्लेम में फिर मैं रख दूंगी ना फिर आहिस्ता आहिस्ता कुक हो जाएगा ओके जनाब ओके इस रेडी परफेक्ट रेडी हो गया अच्छा मुंतहा भी साथ साथ में साथ ही गेम्स बना के खेल रही थी ओके okay, जी ये देखें जी अब हम बनाते हैं एक चपाती आज हम क्योंकि मक्खन फ्रेश बनाया है तो मक्खन का फ्रेश फ्रेश ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे कुछ यमी सा ओके okay, जी सबसे पहले तो एक चपाती बनाते हैं ना ओके okay, जी अपना सारा सामान निकालते हैं फिर इसको बेलते हैं देन अच्छे से कुक करते हैं अच्छे से ओके जनाब ये देखें जी

ये देखें जी तैयार होगी मक्खन भी मैंने खूब सारा अप्लाई कर लिया है और एक यमी सा हाफ फ्राई एग भी रेडी हो गया मक्खन वाला ही है फ्राई एग हुआ है अच्छा सारा ही सारा आज आज बस देसी घी का होगा अच्छा जी पोटाटोस थे तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया उसमें खूब सारी ग्रीन चिलीस डाली उसमें फिर डाला जी थोड़ा सा स्पून वन स्पून इसमें मक्खन और इसको अच्छे से देखें जी कुक किया बहुत यमी था बिलीव मी के बहुत मज़ा आया था इसको खाने का मुंतहा ये देखें जी बहुत मज़ा आया था आज ब्रेकफास्ट करने का देसी देसी और आयली आइली और काफ़ी देर तक मुझे तो रात तक भूख नहीं लगी इतना हैवी था ना स्टमक फुल था शाम तक ओके जी बहुत ही अमी था मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और मैं सोची थी टी का भी तड़का तर, होना चाहिए साथ क्योंकि टी के बगैर ना मुझे नाश्ता करने का मजा नहीं आता ओके जी चले इसको शिफ्ट करते हैं और थोड़ी तो सी टी भी बना लेते हैं जल्दी से इसको ना इसी प्लेट में क्योंकि मक्खन है ना ये गर्म है तो सारा वो मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से मजे से हम खा लेंगे और प्लेट भी ज्यादा वेस्ट नहीं फिर वाश भी करना पड़ती है ना ओके <laughs> <Okay> जी ओके <coughs> okay जी टी इज रेडी मैठी इज रेडी ना अच्छा जी इसमें नहीं देखें जी इसमें मैंने थोड़ी सी पत्ती डाली थी और अदरक डाला था थोड़ा सा और जी शक्कर डाली थी ब्राउन शुगर देन आई एड जी माई टी इज रेडी नाउ, माय माई ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ, देखें जी ए कितना मज़े का हो गया ना चलें जी आपको ए अपनी टी का भी क्लोजअप दिखाते हैं देन फिर हम मज़े से यमी तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कैजुअल का काम भी शुरू हो जाता है ना क्योंकि ब्रेकफास्ट जब भी खत्म होता है ना फिर लंच की प्रिपरेशन हो जाती है वैसे भी ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है जब स्कूल जाती उसके बाद डस्टिंग मोपिंग वगैरह करते करते इतना सारा टाइम हो जाता है कि टेन ओ क्लाक तो वैसे ही मुझे ब्रेकफास्ट करते करते हो जाता है ओके जी मैंने ना आज एग पटाटोस बनाए थे आलू अंडा बनाया था ठीक है तो उसको ज़रा थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं और कुछ मैंने चपातियाँ भी बना ली थी साथ ही जल्दी जल्दी ना ये देखें जी फाइव चपातियाँ बनाई हैं है क्योंकि आज निसेसरी जरूरत थी कि फाइव टू पर्सनस ने खाना खाना था तो मैंने सोचा चलें जी फाइव लंच में ना फाइव चपातियाँ बना लेती हूँ जी जनाब बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं सारी की सारी, सारी साफ साफ सी अच्छी सी यमी सी और ये जो लास्ट वाली थी ना थोड़ी सी जरा इसका टक भी लग गया हुआ है इसमें से थोड़ी सी ना पटी पटी है लेकिन यह के स्टार्टिंग हो गया अच्छा जी एग बाइट इज रेडी ना ओके जी अब हमने क्या किया जी मैंने ना ये जो थी ना इसको हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं ना अरे फोर एग बॉयल किए थे मैंने ना दिस इज़ फोर एग ओके जी जितना उनका दिल करेगा वो इट कर लेंगे ना ये देखें जी प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ओके देन ब्रेकफास्ट इज़ रेडी फिर हो रहा है ना मागे उसको मतलब चेंज वगैरह करवा के ना फिर उसको कह रही थी मम्मा मैंने पोटैटो का पराठा खाना है ना कालू नहीं थे मतलब मूली भी नहीं थी वैसे मेरे पास ना तो फिर मैंने इसको ही अच्छे से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्रश कर लिया इसको अच्छे तो से ना कर लिया और प्याज को ना कट कर लिया ऐसे ये देखें टिक 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 स्पीड स्पीड स्पीज से कट किया जी बहुत स्पीड से कट किया उसमें कुरिया क्योंकि मैंने कट करके रखा होता है उसको मैंने डाला साल डाला टर्मिंग पाउडर सुरख मिर्च डाली एंड देन आई मिक्स इट वेल वेल मिक्स इट किया अच्छा दो गोल मोल सीट चिपाती है ना ऊपर इसको शिफ्ट किया जल्दी से जल्दी से -स्� जल्दी से ही कर लिया पला दिया प्ला प्लाया इसको सारा ही मैंने कवर कर दिया जी अच्छे से ना ये देखें जी यमी ब्रेकफास्ट लंच लंच इज रेडी अच्छी ये लंच कर लेती है इसको मेरा भी प्रेफरेंस ये है क्योंकि स्कूल में ये बर्गर लेके जाती है पता नहीं आजकल इसको बर्गर बहुत पसंद है रोज ही इसकी डिमांड ये होती है कि मैंने बर्गर खाना है रात को मैंने ना थोड़े से अपने हस्बैंड के लिए ना राइस बना लिए ठीक है चने वाले राइस काले चने के चावल उसके उनके लिए सादा से यमी से बना लिए जी जनाब और बच्चों का फन मस्ती चल रहा था अभी शाम को थोड़े टाइम के लिए हम नानों के हाउस भी गए थे मैं बच्चों को लेके गई थी उन्होंने खूब इंजॉय किया क्योंकि सारी तीनों फ्रेंड्स इकट्ठी हो गई थी कभी फाइट होती थी और कभी जी दोनों की बहुत फ्रेंडशिप थी ओके जनाब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लव यू आल अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा अच्छा बच्चों की फंड मस्ती चल रही है इनको मैंने बलून्स फिल करके दे दिए थे दैन ये दे आर इंजॉय सारे ही इंजॉय कर रहे थे और अच्छा अच्छा लग रहा था खेल रहे थे तो चलें जी ओके जी बच्चों की छोटी छोटी सी ये जो फ्रेंडशिप और इनकी जो हरकतें होती हैं बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती हैं आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह फिर बाय टाटा डिंग रिंग 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 डिंग रिंग 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 डिंग रिंग 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 डिंग रिंग 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 माय बेबी मेरा फातिमा सारे बच्चे अच्छे हैं लेकिन मेरा फातिमा की जो ब्यूटी है ना हम किसी की नहीं है ओके अल्लाह हाफिज बाय अपने बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं बाय अल्लाह हाफिज